दिल्ली दे विच G20 समिट होने वाली है 9 ते 10 सितंबर नूं, और उस तो पहला ही अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली दे CM ने उन्हां दे वल्लों 400 इलैक्ट्रिक बसां नूं हरी झंडी विखा के रवाना कर दिता गया। तुहानूं दस दईए कि जिथे आम आदमी पार्टी और BJP दे दरमियान क्रैडिट वॉर छिड़ी हुई है, और इस क्रैडिट वॉर दे विचाले ही अरविंद केजरीवाल ने 400 इलैक्ट्रिक बसां नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया है। तुहानूं दस दईए कि उन्होंने मीडिया नूं संबोधन करदे होया ये गल्लां कहीआं कि ये बसां जिहड़ियां ने वो हाईटेक टैक्नीक्स दे नाल लैस ने, जेकर कोई दिव्यांग इस बस दे विच चढ़दा है तां उस शख्स नूं चढ़ाउण दे लई ये बस पूरी तरह झुक जांदी है। इस बस दे विच महिलावां दे लई बहुत सारियां फैसिलिटीज़ ने, उन्हां दी सुरक्षा दे लई बहुत सारे इंतजाम किए गए ने, वातानुकूलित है ये बस, और इस बस का लोगों नूं बहुत फायदा होने वाला है, और ये नाल नाल ये बस जिहड़ी है वह प्रदूषण रहित होएगी। तां दस्सदे उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 2 सालों दे विच दिल्ली दीआं सड़कां ते 10,000 तो भी ज़्यादा बसा दौड़नगियां, वह भी इलैक्ट्रिक बसा। तुम दस दिए कि उन्होंने कहना है कि 1900 बसा जड़िया ने वह होर ज़्यादा आने वाले साल के हरी झंडी विखा के रवाना कीतियां जाणगियां। फिलहाल तुम दस दिए कि दिल्ली दीआं सड़कां ते इस वेले 7300 के करीब बसा दौड़ रही ने, जिन्हां दे विचों 800 बसा जड़ियां ने वह इलैक्ट्रिक बसा ने, और बाकी बसा जड़ियां ने वह CNG दे नाल चलदियां ने। तुम दस दिए कि इलैक्ट्रिक बस एक बार चार्ज करने ते 225 किलोमीटर तक दी दूरी तय करेगी, और इस बस का फायदा यह है कि यह प्रदूषण रहित होगी, और ये यात्रियों को भी काफ़ी फायदा पहुँचने वाला। उत्थे तुहानूं दस्सदे कि G20 समिट दिल्ली दे विच होण वाली है, और उहदे दरमियान ये बसां नूं जारी करना, बसां नूं रवाना करना हरी झंडी विखा के, और क्रैडिट वॉर दे विचाले ये केजरीवाल की विरोधता नीति नूं दर्शाउंदा है। इस तरह दी होर ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहो HSN News के नाल। हुणे सबसक्राइब करो साडा YouTube, Facebook और Insta page।